बिग बॉस का सीजन 14 शुरू भी नहीं हुआ लेकिन इससे पहले कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। क्या बिग बॉस में भी नेपोटिज्म होता है? इसको लेके एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है सोफिया ने। आइए जानते हैं कि क्या कहना चाहती हैं सोफिया हयात। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काजल सिंह और आपका स्वागत करती हूँ बिग हेडलाइंस में। दोस्तों, इस समय जिस तरीके से बॉलीवुड में भाई भतीजा या फिर यूं कहे नेपोटिज्म जो है मंडराया हुआ है, यानी कि नेपोटिज्म का मुद्दा तेज हुआ है, ऐसे में बहुत सारे सितारे जमकर सामने आ रहे हैं और नेपोटिज्म का विरोध भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में बिग बॉस सीजन 14 की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहाँ पे फर्स्ट कंटेस्टेंट से इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था सलमान खान ने। फर्स्ट कंटेस्टेंट की अगर हम बात करें तो जान कुमार शानू बिग बॉस सीजन 14 के फर्स्ट कंटेस्टेंट हैं। ऐसे में सलमान खान और उनके शोज पे सवाल उठ रहे हैं। सवाल दागने वाला और कोई नहीं बल्कि सूफिया हयात हैं। जी हाँ, वही सूफिया हयात जिन्हें हमने बहुत सारे गानों में देखा है और एक मॉडल हैं। ऐसे में सूफिया हयात ने ये बात कही है कि जान कुमार शानू को इसलिए मौका दिया जा रहा है क्योंकि वो एक सिंगर के बेटे हैं। जान कुमार शानू अभी इस समय इतने ज़्यादा हिट नहीं है, उनको हिट करवाने के लिए सलमान खान जान बुझ के उनको बिग बॉस में आने के लिए ऑफर दिए हैं, जिसके चलते अब बिग बॉस सीजन 14 में भी नेपोटिज्म आपको नजर आने वाला है। वेल, ये आरोप लगाया है सूफिया ने। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सूफिया के बातों से आप कितना एग्री करते हैं। क्या जान कुमार शानू सच में नेपोटिज्म की वजह से इस शो में आए हैं या फिर अपने टैलेंट की वजह से इस शो में आए हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है मैं आप तक सबसे पहले पहुँचाती रहूँगी। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच।